अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया अलाउज फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रेवलर्स फ्रॉम 99 कंट्रीज टू स्किप क्वारंटीन। यहाँ पर जो है बताया गया है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है 99 कंट्री के लोगों को इंडिया में आने के लिए, वो भी बिना क्वारंटाइन के। तो यहाँ पर बताया यह गया है कि जो भी यानी WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन जिसने लगवा रखी है वो जो है आ सकते हैं इंडिया में, उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। लेकिन उनको आने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन अपना फॉर्म भरना होगा एयर सुविधा वेबसाइट पर। इसके अलावा निगेटिव PCR रिपोर्ट लेकर के आनी होगी जो कि 72 घंटे के अंदर अंदर की होनी चाहिए इंडिया में आने पर। और इसके अलावा एक और खबर आई है तवक्कलना पर, और बहुत ही जरूरी खबर है। पहले भी जो है मैंने एक अलग न्यूज़ जो है बनाई थी तवक्कलना पर, लेकिन आज जो है ये एक और लेटेस्ट न्यूज़ आई है तवक्कलना की तरफ से। तवक्कलना से जो है एक जानकारी ली है एक बंदे ने जो गैर मुल्की है, उसने ट्वीट किया था तवक्कलना के अकाउंट पर। तो उनसे जो है ये मालूम किया गया था, अगर कोई गैर मुल्की है जिसने दोनों वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर लगवाई है और वो चला जाता है छुट्टी अपने घर पर, और अगर किसी यानी फैमिली मेम्बर को अपने साथ लेकर आना चाहता है जो कि फैमिली मेम्बर नॉन वैक्सीनेटेड है यानी उसने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, चाहे वो बच्चे हों या उनकी वाइफ हो साथ में, तो क्या उनको वो फ्लाइट से अपने साथ लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते। यहाँ पर जो है तवक्कलना ने इसका जवाब दिया है कि जो गैर मुल्की है एकामा होल्डर है वो अपने साथ में लेकर आ रहा है अपनी वाइफ को जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है, तो वो अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। उनको सऊदी अरब में आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन उनको होम क्वारंटीन में रहना होगा 5 दिन के लिए, जो कि एक लेटेस्ट जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि बहुत सारे भाई जो इंडिया से भी इसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर मुझे अपने बीवी बच्चों को बुलाना है वाया दुबई जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है, तो वो जो है अपने साथ आप जाकर के उनको ला सकते हैं होम यानी यहाँ पर सऊदी में। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन उनको नहीं होगा, सिर्फ होम क्वारंटीन में उनको रहना होगा। और इसके अलावा एक और खबर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो गैर मुल्की हैं सऊदी अरब के अंदर अगर वो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 शर्त जो है यहाँ पर बताई गई हैं। अगर 2 शर्त जो है आप पूरी करते हैं तो आप अपना यानी हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर बुनियादी शर्त यह बताई गई है कि जो गैर मुल्की यहाँ पर आया है काम करने के लिए मौजूद है, सबसे पहले तो उसका काम ऐसा हो कि वाकई में उसको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत हो सऊदी अरब के अंदर, यानी उसी काम पर जो है वो आया हो। इसके अलावा जो है वैलिड एकामा होना लाजमी है, बस 2 ही शर्त हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जो फैमिली ड्राइविंग में आते हैं या किसी और काम में आते हैं, अगर वो यहाँ पर आने के बाद हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने लगे तो नहीं बनेगा, या कमर्शियल लाइसेंस बनवाने लगे तो नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हैवी ड्राइविंग के ही जॉब पर आते हैं सऊदी अरब, उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। और इसके अलावा एक और जानकारी यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई गैर मुल्की सऊदी शहरी के नाम पे काम करता है तो वो इलीगल है, या कोई सऊदी शहरी है वो अपने नाम से जो है किसी गैर मुल्की को काम करा रहा है जो कि इलीगल है, और इस पर जो है बहुत बड़ी यानी चेकिंग भी चल रही है और जुर्माने भी हैं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है कुछ छूट दे दी गई है फिर से, जो कि 16 फरवरी 2022 तक है। इसके अंदर अंदर जो है आपको अपने काम जो है सही कराने हैं। अगर गैर मुल्की ही अपने नाम पर करना चाहता है तो अपने नाम पर उसको ट्रांसफर करा ले, या अगर सऊदी शहरी ही उसको करना चाहता है तो सऊदी शहरी के ही वो नाम पर होना चाहिए काम। और यहां पर बताया यह गया है कि अगर 16 फरवरी 2022 के बाद अगर पकड़ा जाता है कोई गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो जो कि यानी तिजारती पर्दापोशी जो है कर रहा है, तो इसमें बताया यह गया है कि 50 लाख रियाल का जुर्माना और 5 साल की जेल भी हो सकती है। तो जो भी यहाँ पे गैर मुल्की भाई हैं सऊदी शहरी के नाम पर काम कर रहे हैं, तो अभी लगभग ये जो है 16 फरवरी तक का टाइम है, इसी में जो है अपने काम को आप सही करा लें, अभी जो है आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो है काफी सारे सवाल भी आते हैं इसके बारे में कि भाई जो लोग विजिट वीजा पे आ रहे हैं सऊदी अरब, तो वो तवक्कलना में या सेहती एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन जो है किस तरह से करेंगे, क्या आने से पहले ही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आने से पहले तो आप नहीं कर सकते, सऊदी अरब जब आप आ जाएं तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल में तवक्कलना इंस्टॉल कर लें या सेहती एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लें, और यहाँ पर आप अपना जो आपका पासपोर्ट नंबर है उसी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप जब वहाँ से आएंगे तो आपको जो है कुद्दूम प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। जब आप वहाँ वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीनेटेड सिलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर यहाँ पर आने के बाद जब आप तवक्कलना बनाएंगे तो यहाँ पर इम्यून शो होगा। और आज के कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ 35 नए केस आए हैं, 42 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, 1 मौत हुई है, 44 क्रिटिकल केस हैं जिनको ICU में रखा गया है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।